हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूट्यूब चैनल में हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते हैं जो घर से रिलेटिव होता है। तो आज का जो टॉपिक है, तो आपके जो पुराना अगर मकान है तो पुराने मकान में क्या होता है कि छत फट जाता है और उसमें क्रेक हो जाता है, फिर आपको घर में सीलेंट आने लगता है, जब बारिश होती है तो पानी टपकने लगता है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो रूल है, मतलब गाटर पटिया पर जो घर बनता है, ये तो खास करके दिल्ली, यूपी, हरियाणा, मध्य प्रदेश, चंडीगढ़, राजस्थान, मतलब ये सब चार पांच स्टेट में क्या होता है कि ये पत्थर और टी आयरन गाटर पे घर बनाते हैं। तो होता क्या है इसमें, चाहे नया हो या पुराना, लेकिन ये इससे अगर जो कोई छत बनाते हैं तो पुराना होने पे, जैसे कि मान लीजिए कि घर बनाए उसके एक साल दो साल के बाद उसमें त्रेड़ आ जाता है, दरार आ जाती है, फिर क्या होता है जब बारिश होता है तो छत टपकने लगता है। फिर अब वो सोचते हैं कि अब मैं क्या करूँ, इसको दोबारा छत उथड़वाऊँ या खुलवाऊँ या रिपेयर करवाऊँ, उनको ये समझ में नहीं आता है। तो इसके लिए मैं आपको YouTube चैनल के माध्यम से एक वीडियो बना रहा हूं, जिससे कि आपको जीवन में बहुत लाभकारी होगा। तो देखिए, ये मैं आपको लाइव दिखा रहा हूं, ये पुराना मकान है और 12 बाई 12 का कमरा है। ये देखिए, 12 बाई 12 का कमरा है ये। इसमें भी वही परेशानी थी कि ये बार बार छत पे दरार आ रहा था। तो अब हम इसको पूरा परमानेंट, मतलब कभी भी लाइफ टाइम के लिए कभी भी इसमें दरार नहीं आएगा। तो इसमें हमने करा क्या है, ये देखिए, इसके ऊपर क्या था, मिट्टी डला हुआ था, टाइल ईंट बिछाई गई थी, तो इसी वजह से ये दरार आ रहा था। अब हमने उसको सारे को हटा दिए, अब इसमें से सिर्फ हमने टी आयरन, गाटर और पत्थर, ये सारी चीज़ें हैं, मतलब इसमें फिर सेटरिंग कराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऐसा, आपके पास ऐसा मकान है पुराना, तो आप इस तरह से रिपेयर करा सकते हैं, जैसा कि मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ। ये देखिए, 12 बाई 12 का कमरा है और इसमें कितना पैसा आपको लगेगा, ज़्यादा पैसा भी नहीं लगेगा, तो इसका मैं पूरा डिटेल बता रहा हूँ कि इसमें जाल बिछा करके और रोड़ी का लेंटर डालने में कितना पैसा लगेगा। तो दोस्तों देखिए, इसमें जो सरिया लगा है ये 10-10 इंच पे, मतलब एक सरिया और दूसरे सरिया के बीच की जो दूरी है वो 10 इंच है, तो मतलब 10-10 इंची पे 10 mm मोटाई का सरिया बिछाया गया है। तो ये इसमें, ये जो हमने जितने भी सरिया आपको दिखाई दे रहा है 12 बाई 12 का कमरा के लिए, तो ये हमने 50 किलो सरिया लाया है। 50 किलो सरिया का कीमत है 6×5=30, 3000 रुपया। तो 3000 रुपया का आपका सरिया लगेगा 12 बाई 12 के कमरा के लिए, और 2000 रुपया का रोड़ी बदरपुर आएगा, जैसा कि मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ। यह देखिए, ये रोड़ी बदरपुर और सीमेंट, ये तीनों मिक्स किया जा रहा है और इस पर लेंटर डाला जाएगा, क्योंकि ये इतना बड़ा लेंटर नहीं है जो मशीन से डलेगा, तो ये हाथ से ही डाला जा रहा है। तो ये इसकी मैं जो बता रहा हूँ, तो 3000 रुपये का सरिया और 2000 रुपये का बालू और रोड़ी है, और फिर 4 कट्टा सीमेंट आपका 1500 रुपये का है, मतलब टोटल मिलाकर आपका 6500 रुपये का माल इसमें लग रहा है। 6500 रुपये का माल लगा करके आपको जीवन भर, लाइफ टाइम के लिए कभी भी इस छत पर दरार नहीं होगी। तो अब इसको हम आपको डिटेल में बताते हैं कि कैसे आपको करना है। तो जैसे सबसे पहले इसका हमने उधेड़ दिया, टाइल मट्टी सब उधेड़ दी, उसके बाद पानी से धुलाई कर दिया है, उसके बाद फिर हमने इसमें सरिया बिछा दिया है। जैसा लेंटर में डलता है ठीक उसी तरह, जैसे लेंटर बनता है ठीक उसी तरह बंधा हुआ है, सिर्फ लेंटर में क्या होता है कि वो नज़दीक, मतलब पास पास में सरिया देते हैं, ये थोड़ी सी दूर हटा कर दी गई है, क्योंकि इसका ऑलरेडी एक छत डला हुआ है। एक छत का मतलब ये है कि टी आयरन, गाटर, पटिया से ये छत डला हुआ है और उसकी मोटाई भी लगभग 2 इंची है। अब हम इस पर आपको बताएंगे कि हम इस पर लेंटर डालेंगे कितने मोटा। तो इसकी लेंटर की जो मोटाई होगी सिर्फ 3 इंची होगी, 3 इंची होगी, क्योंकि इस पर ऑलरेडी छत बना हुआ है, इसलिए इस पर हम 3 इंची का लेंटर डालेंगे। उससे क्या होगा, ये कभी भी आपके लाइफ टाइम में कभी भी ये ख़राब नहीं होगा, दरार नहीं आएगा, पानी नहीं टपकेगा, सीलन नहीं आएगा। ये तो मैं आपको बताया पुराने मकान की। आप अगर नया मकान भी बनाते हैं तो खास करके मैं आपको बताया दिल्ली, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, चंडीगढ़, पंजाब, ये सब में ज़्यादा करके गाटर पटिया का घर बनता है। तो आप नया घर भी बनाते हैं तो आप सबसे लास्ट वाले मंजिल पे, अगर आप मकान 3 मंजिल बनाते हैं, 4 मंजिल बनाते हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे लास्ट वाले मंजिल में, जो कि सबसे ऊपर लास्ट करता है, उसमें फटने का डर होता है। तो इसलिए सबसे लास्ट वाले में, नए मकान में भी आप इस तरह का प्रयोग कर सकते हैं, जैसा कि मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ। ये सरिया, गिट्टी, और मैंने आपको लागत भी बता दिया कि 12 बाई 12 के कमरे में 6500 रुपये का रोड़ी बदरपुर सीमेंट आएगा, तो कोई खास ज़्यादा पैसा भी नहीं लगेगा, और आपको लाइफ टाइम के लिए कभी भी आपके मकान में जीवन भर सीलन नहीं आएगा, ना तो दरार आएगी, ना फटेगा, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये एक लेंटर की तरह होगा। तो दोस्तों, ये हमारा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू।